गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दांतों से रिलेटेड वर्ड मीनिंग, वो भी उनके पिक्चर्स के साथ में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम शक्ति कश्यप और आप देख रहे हैं इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, दांत के डॉक्टर को इंग्लिश में हम डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट मीन्स दांत का डॉक्टर। और फ्रेंड्स, दांत को इंग्लिश में टूथ बोलते हैं। टूथ मीन्स दांत। और जब कई सारे दांत होते हैं तो उसको हम टीथ बोलते हैं। टीथ मीन्स कई सारे दांत, जैसे हमारे 32 में होते हैं। और फ्रेंड, दाढ़ को इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। मोलर मीन्स दाढ़। दूध के दांत जो कि बच्चों के निकलते हैं उसको हम मिल्क टूथ बोलते हैं। मिल्क टूथ। लंबे दांत को इंग्लिश में फैंग बोलते हैं। फैंग मीन्स लंबे दांत। दंतहीन मीन्स जिसके दांत नहीं होते उसको हम दंतहीन बोलते हैं। बाय द वे, दंतहीन को इंग्लिश में टूथलेस बोलते हैं। टूथलेस मीन्स दंतहीन। दांत की जड़ को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। रूट मीन्स दांत की जड़। मसूड़ा को इंग्लिश में गम बोलते हैं। गम मीन्स मसूड़ा। जबड़ा को इंग्लिश में जो बोलते हैं। जो मीन्स जबड़ा। ऊपर वाला जबड़ा को इंग्लिश में अपर जो बोलते हैं। अपर जो मीन्स ऊपर वाला जबड़ा। नीचे वाले जबड़े को इंग्लिश में लोअर जो बोलते हैं। लोअर जो मीन्स नीचे वाला जबड़ा। झंझनाहट को इंग्लिश में सेंसिटिविटी बोलते हैं। झंझनाहट मतलब जब हम कुछ ऐसा खाते हैं ठंडा जिससे हमारे दांतों में झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी बोलते हैं। सेंसिटिविटी मीन्स झंझनाहट। दांत के डॉक्टर का डर मतलब कि जब हमें दांत के डॉक्टर से डर लगता है, वो हमारा इलाज कर रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेंटोफोबिया। डेंटोफोबिया मीन्स दांत के डॉक्टर का डर। अगर दाढ़ को इंग्लिश में प्रेमोलर बोलते हैं। प्रेमोलर मीन्स अग्र दाढ़। अकल दाढ़ को इंग्लिश में विस्डम टूथ बोलते हैं। विस्डम टूथ मीन्स अकल दाढ़। अकल दाढ़ 18 से 20 साल की उम्र में हमें निकलती है। नकली दांत की 32 को इंग्लिश में डेंचर बोलते हैं। डेंचर मीन्स नकली दांत की 32। आगे के दांत को इंग्लिश में फ्रंट टीथ बोलते हैं। फ्रंट टीथ मीन्स आगे के दांत। पीछे के दांत को इंग्लिश में बैक टीथ बोलते हैं। बैक टीथ, जो दांत पीछे के साइड होते हैं उसको हम बैक टीथ बोलते हैं। नुकीले दांत को इंग्लिश में शार्प टीथ बोलते हैं। शार्प टीथ मीन्स नुकीले दांत। कुंद दांत को इंग्लिश में ब्लंट टीथ बोलते हैं। ब्लंट टीथ मीन्स कुंद दांत। हाथी के दांत को इंग्लिश में आईवरी बोलते हैं। आईवरी मीन्स हाथी के दांत। दांत दर्द को इंग्लिश में टूथ एक बोलते हैं। टूथ एक मीन्स दांत दर्द। छाला को इंग्लिश में कैंकर सोल और माउथ अल्सर बोलते हैं। कैंकर सोल या फिर माउथ अल्सर, आप इन दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। दांत की जो केप होती है, जो दांत के ऊपर लगाई जाती है, उसको हम डेंटल क्राउन बोलते हैं। डेंटल क्राउन मीन्स दांत की कैप। दांत का धागा जिससे हम अपने दांत को साफ करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में डेंटल फ्लॉस बोलते हैं। डेंटल फ्लॉस मीन्स दांत का धागा। खाली स्थान या फिर छेद, जो कि हमारे दांतों में खाली जगह होती है या फिर कोई छेद होता है, तो उसको हम इंग्लिश में कैविटी बोलते हैं। कैविटी मीन्स खाली स्थान या फिर छेद।
भराव को इंग्लिश में फिलिंग बोलते हैं। जब हमारे दांत में कैविटी हो जाती है तो उसको भरने के लिए हमारे दांतों के अंदर चांदी या कोई ऐसा पदार्थ लगाया जाता है जिससे हमारे दांत को भर दिया जाता है, तो उसको इंग्लिश में हम फिलिंग बोलते हैं। फिलिंग मीन्स भराव। दांत निकालना को इंग्लिश में टूथ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन मीन्स दांत निकालना। टूटा हुआ दांत को इंग्लिश में ब्रोकन टूथ बोलते हैं। ब्रोकन टूथ। कंतक को इंग्लिश में इंसाइसर बोलते हैं। इंसाइसर मीन्स कंतक। हमारे जो सामने वाले दांत होते हैं इनको हम कंतक बोलते हैं। हानिकारक परत जो होती है हमारे दांतों पे जम जाती है तो इसको हम इंग्लिश में प्लेक बोलते हैं। प्लेक मीन्स हानिकारक परत। दांत की जो मेल होती है हमारे दांतों पे जम जाती है तो इसको हम टार्टर बोलते हैं। टार्टर मीन्स दांत की मेल। दंत खोदने को इंग्लिश में टूथ पिक बोलते हैं। टूथ पिक मीन्स दंत खोदनी। धातु की तार को इंग्लिश में ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस मीन्स धातु की तार। दांत की परी को इंग्लिश में टूथ फेरी बोलते हैं। टूथ फेरी मीन्स दांत की परी। और फ्रेंड्स आज का कुछ है, अब आप लोगों को बताना है कि हम मसूड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो गाइस आज के लिए यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फेस कैम वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।